हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अगर आप कभी दिल्ली गए हैं तो दिल्ली लाजपत नगर के राम लड्डू तो आपने टेस्ट किए ही होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राम लड्डू की एकदम डिलीशियस, टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी। मूलियाँ मार्केट में मिल ही रही हैं तो मैंने सोचा क्यों ना राम लड्डू बनाए जाएँ। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो देखिए, राम लड्डू यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कुकिंग शुकिंग इंडिया बाय शगुन में। आइए शुरू करते हैं राम लड्डू बनाना, जिसके लिए सबसे पहले मैं मूली की चटनी बनाऊंगी। तो मूली की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मूली ले ली है और यहाँ मूली मैंने मूली के पत्तों के साथ ली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस तरह से मूली और मूली के पत्तों को अलग कर लूँगी। देखिए, तो अब हम यहाँ पर मूली के पत्ते वेस्ट नहीं करेंगे, इन्हें फेंकेंगे नहीं, बल्कि इनका भी हम यूज़ करेंगे। इस तरह से इनकी डंडी अलग कर ले। और अब ये जो छिलके हैं इनका मैं आपको बताती हूँ कि इनका हमें क्या करना है। तो देखिए, यहाँ मैंने छिलके अच्छे से वॉश कर लिए हैं और अब मैं इन छिलकों को इस तरह से निकाल लूँगी। इसकी जो डंडी है उसे हमें अलग कर देना है और छिलकों को हमें इस तरह से निकाल लेना है। सारे ही छिलकों को मैं इस तरह से निकाल लूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उससे प्रेस ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, यहाँ मैंने सारे पत्ते उसकी डंडी से अलग कर लिए हैं और यहाँ मैंने ले लिया है धनिया, अदरक, हरी मिर्च, मूली के पत्ते और थोड़ा सा पुदीना, पुदीना ऑप्शनल है, और नींबू का रस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी धनिया के पत्ते, उसी के साथ मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी अदरक। तो मूली की चटनी जो राम लड्डू के ऊपर डाली जाती है ना, वो मैं यहाँ पे बनाना सिखा रही हूँ। पुदीना मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, मूली के पत्ते जो हमने वॉश किए थे अच्छे से और जो स्टेम से अलग किए थे वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, और इसी के साथ मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं हरी मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सब चीज़ें मैंने यहाँ इसमें ऐड कर दी हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट जो मैं अब इसमें ऐड करूंगी, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ काला नमक। काले नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे सफ़ेद नमक भी ऐड कर दिया है और ये है अमचूर। तो अमचूर राम लड्डू की चटनी में ऐड ज़रूर किया जाता है। और यहाँ मैंने ऐड कर दिया है ये हींग का पानी। हींग मैंने पानी में भिगो कर पहले से रख लिया था, तो इसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो अमचूर और हींग का पानी आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसी से टेस्ट आता है राम लड्डू की मूली वाली चटनी में। और जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि ये इतनी टेस्टी बनती है। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी आलू भुजिया। अगर आपके पास ये ना हो, आप इसकी जगह कोई भी भुजिया ऐड कर दें, वो भी ना हो तो इसकी जगह बूंदी ऐड कर दें। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच नींबू का रस ऐड कर दिया है और अब मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए, चटनी मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर ली है और आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया चटनी बनी है। हमने जो इसमें भुजिया ऐड की थी उससे इसमें एक बाइंडनेस आई है, क्योंकि हम इसमें प्याज वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रहे थे। और अब हमने ये मूली ले ली है, पत्तों का यूज़ तो हमने कर लिया, अब मूली का यूज़ करते हैं। तो मूली के छिलके को इस तरह से निकाल ले। राम लड्डू खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं, बनाना मैं आपको बताऊंगी कितने आसान हैं। तो देखिए, मूली का सारा छिलका मैंने यहाँ पे अलग कर लिया है और अब हमें मूली को ग्रेट बना करना है। तो हमें यहाँ पे मूली का लच्छा तैयार करना है, जिसके लिए हमने यहाँ पे थोड़े से छिलके मूली के और ले लिए हैं और इसे भी मैं बारीक चॉप कर लूँगी। अब आप सोचेंगे कि मूली के लच्छों में मूली के पत्तों का क्या काम है, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि इससे मूली के लच्छों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने मूली के पत्ते अच्छे से चॉप कर लिए हैं और अब मैं ले लूँगी एक ग्रेटर। तो इस तरह का ग्रेटर हर घर में मिल जाता है, हर घर में होता ही है। तो मीडियम साइज से मैं इसे ग्रेट करूँगी, मोटी वाली साइड से ग्रेट नहीं करूँगी, क्योंकि लच्छा बहुत ज़्यादा मोटा लगेगा और अगर बारीक साइड से करूँगी तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, इसलिए मीडियम साइज से मैं इसे ग्रेट कर लूँगी। लाजपत नगर में बाल्टियां भर भर के इस तरह से मूली लच्छा बना करके रखा जाता है
और जब हम इसे खाते हैं तो उसके ऊपर से मूली ऐड की जाती है और सर्व की जाती है। खाने में बेहद टेस्टी लगता है। देखिए मूली लच्छा बनकर के रेडी हो गया है। तो अब हमें आगे क्या करना है, देखिए मैंने इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब ये जो मूली के पत्ते हमने कट किए थे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अब मैं इन्हें मिक्स कर लूँगी। इस स्टेज पे हम इसमें कोई नमक कोई नींबू ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस स्टेज में नमक नींबू ऐड कर देंगे तो मूली जो है वो अपना पानी छोड़ देगी और ये लच्छा एकदम बेकार हो जाएगा। इसलिए जब हम इसको बिल्कुल असेंबल करेंगे, जब राम लड्डू सर्व करेंगे, उस टाइम पर हम इसमें नमक और नींबू ऐड करेंगे। देखिए अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च जो मैंने बारीक चॉप की है। दो हरी मिर्च मैंने यहाँ पर ली हैं, इन्हें भी मैं इसके साथ मिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक नींबू लिया है, लेकिन मैंने पहले ही बताया नींबू अभी ऐड नहीं करेंगे। तो राम लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दालें ले ली हैं। मैंने एक कप मूंग दाल ली है, एक चौथाई कप चना दाल ली है और एक चम्मच मैंने ली है उड़द की दाल। उड़द की दाल से एक बढ़िया सी फ्लफीनेस आती है मूँग की दाल के पकौड़ों में। बेसिकली राम लड्डू मूँग की दाल के पकौड़े ही हैं, लेकिन इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जब हम इसे ऐड करते हैं तो ये राम लड्डू बन जाते हैं। और अब मैं इन्हें अच्छे से वॉश करके रात भर भिगोकर छोड़ दूंगी। आप चाहें तो 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दें। तो देखिए दालें मैंने ओवरनाइट भिगो दी थी, अच्छे से दालें जो हैं वो फूल गई हैं। अब मैं इन्हें ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया है, इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा मैं इसे दरदरा पीसूँगी। तो इन्हें ट्रांसफ़र कर दें ग्राइंडिंग जार में। सारी दालें मैंने एक साथ ही भिगो दी थी, आप चाहें तो अलग अलग भिगो सकते हैं, लेकिन हमें ग्राइंड एक साथ ही करनी है तो आप एक साथ भी भिगो लें। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे हींग ऐड कर दिया है और अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो अब आप देखिए मैंने सारी दाल जो है वो ग्राइंड कर ली है, जितनी थोड़ी थोड़ी करके मैंने ये ग्राइंड की है और मैंने इसे थोड़ा सा दरदरा पीसा है। और अब हमें इसे इस तरह से फेंटना है। एक बात का ध्यान रखें, इसे एक ही तरफ को फेंटें, ऐसा ना करें कि कभी इस तरफ घुमाएं कभी उस तरफ घुमाएं। ऐसा करने से जो हमारे पकौड़े हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे, जो राम लड्डू हैं वो टेस्टी नहीं बनेंगे। इसलिए इसे एक तरफ को ही घुमाएं, धीरे धीरे आप इसके कलर में डिफरेंस देखेंगे कि कैसे इसका कलर जो पहले था उससे ही अब तक कितना चेंज हो गया है, जैसे जैसे आप इसे फेंटते जाएंगे। और अगर आपको हाथ से दिक्कत आए तो बीटर से कर सकते हैं, लेकिन हाथ से आराम से फेंटी जा सकती है। देखिए कितनी दाल जो है वो फ्लफ़ी हो गई है और ये इसमें कितना चेंज भी आ गया है पहले से। देखिए मैं इसे एक ही तरफ फटाफट चला रही हूँ। तो इसे चेक करने का एक तरीका है, आप एक बॉल में पानी ले लें और थोड़ी सी दाल उसमें इस तरह से ऐड करें और देखिए हमारी जो दाल है वो फ्लोट कर रही है, मतलब कि दाल बढ़िया से हमारी फिट गई है। देखिए अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक और इसे भी मैं एक बार मिक्स कर लूंगी। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जितना खाते हैं उतना ऐड कर ले। और अब डाल रहे हैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हमने मूली की चटनी बनाई थी ना, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस इसी को ऐड करने दें और ये बढ़िया से राम लड्डू बन जाएंगे और फिर से मैं इसे फेंट लूँगी। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। देखिए जब शुरू में हमने दाल को फेंटना शुरू किया था तो वो कैसी थी और अब देखिए दाल कैसी हो गई है। अब मैंने एक कढ़ाई गैस पे रख दी है तो इसमें मैंने ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है। आप देख सकते हैं ऑयल की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है और लोहे की कढ़ाई मैंने यहाँ पे रखी है। आप किसी भी कढ़ाई में ऑयल गर्म कर सकते हैं, मुझे लोहे की कढ़ाई में फ्राई करना थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। अब मैंने एक कटोरी में पानी ले लिया है तो अपने हाथ को इस तरह से पानी से भिगो लें और इस तरह से जो हमारे राम लड्डू हैं उन्हें फ्राई कर लें। हाथों को पानी से भिगोने से होगा क्या कि आप आसानी से राम लड्डू को ऑयल में ड्रॉप कर पाएंगे। तो अच्छे से पहले हाथ को भिगो लें, थोड़ा थोड़ा पानी लगा लें और इस तरह से ड्रॉप करते जाएं। बनाना बहुत ही आसान है। अगर हाथ से दिक्कत आए तो आप चम्मच से भी थोड़ा थोड़ा इसे ऐड कर सकते हैं। और अब इन्हें बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक, अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई कर लेना है। ना एकदम इंटरेस्टिंग रेसिपी।
और दिल्ली की तो ये फेमस रेसिपी है, सबको बेहद पसंद आती है। इसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। और जो मैंने चटनी बताई है, लच्छे बताए हैं, वो बनाएंगे आप साथ में तो इसका टेस्ट तो एकदम लाजवाब है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही मज़ा आएगा आपको बनाने में भी और आपकी फैमिली भी इसे बहुत इंजॉय करेगी। जितने एक बार में आप लड्डू इसमें फ्राई कर पाएँ उतने करें, अदरवाइज़ जो अगर आपकी कढ़ाई छोटी हो तो थोड़े कम फ्राई करें। देखिए, मैंने यहाँ पे राम लड्डू फ्राई कर लिए हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने इन्हें ऑयल में ऐड कर दिया है। और अब इन्हें मैं पलट लूँगी और हर तरफ से बढ़िया से सेक लूँगी। हर तरफ एकदम बराबर कलर आना चाहिए, बढ़िया क्रिस्पी ये होने चाहिए। तो इन्हें अच्छे से फ्राई कर लें। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे हाई रखी है, शुरू में मैंने गैस की फ्लेम लो रखी थी, लेकिन जैसे जैसे ये पकते गए वैसे वैसे मैंने गैस की फ्लेम बढ़ा दी। और अब आप देख सकते हैं एक अच्छा सा गोल्डन कलर हमारे राम लड्डू में आने लग गया है। एंड नाउ यू सी, राम लड्डू बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर इन पे आया है। यकीन मानिए, एकदम क्रिस्पी बढ़िया से राम लड्डू बन करके रेडी हुए हैं। तो इन्हें अब मैं निकाल लूँगी, इन्हें मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। गर्मा गर्म राम लड्डू खाए जाएँ तो बहुत ही मज़ा आता है सर्दियों के मौसम में। देखिए कितने बढ़िया राम लड्डू बन करके रेडी हुए हैं। एक मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। और राम लड्डू मिर्ची वड़े के बिना अधूरे हैं। तो अगर आपके पास मोटी वाली मिर्ची हो आप उसका यूज़ करें। मेरे पास ये छोटी मिर्ची थी तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। इसके बीच में मैंने कट लगाया है और मैं ऐड कर रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाला ना हो तो अमचूर काला नमक आप ऐड कर दें। और ये जो हमारे पास दाल का मिक्सचर है इसमें मैं इसे इस तरह से डिप करूँगी। और देखिए, ऑयल तो यहाँ पर गर्म ही है। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। अगर आपके पास बड़ी वाली मिर्ची हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यही थी, मैंने इसका यूज़ कर लिया। तो अब मैं यहाँ पे मिर्ची को फ्राई कर लूँगी, क्योंकि जो हमारा राम लड्डू है इसके बिना अधूरा है, ये बनाना तो बनता ही है। तो देखिए, एक ही वीडियो में मैंने आपको कितनी सारी रेसिपीज़ बता दी हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। और इन्हें भी हमें अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए, मिर्ची वड़ा भी बन करके रेडी हो गया है। और जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। देखिए, एकदम बढ़िया गोल्डन कलर जो है वो मिर्ची वड़े पे आ गया है। तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। देखिए, मिर्ची वड़ा भी तैयार है, राम लड्डू भी तैयार है, मूली की चटनी भी तैयार है। तो अब देर क्यों करें, फटाफट इसे असेंबल कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो मूली लच्छा तैयार किया था उसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया था, नमक ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसमें नींबू का रस ऐड कर दूंगी। और अब लीजिए, ये है हमारे राम लड्डू, मिर्ची वड़ा और ये है मूली का लच्छा। तो आइए अब बनाते हैं राम लड्डू की चाट। तो उससे पहले मैं आपको एक राम लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट ये बना है, अंदर से एकदम सॉफ्ट, कितना बढ़िया इसमें स्पंज आया है। तो आप यही सारी ट्रिक्स फॉलो करके राम लड्डू चाट बनाएं, आपकी फैमिली को बेहद पसंद आएगी। और अब मैं इसे एकदम स्ट्रीट स्टाइल में सर्व करूंगी, जैसे कि लाजपत नगर में सर्व की जाती है। तो इस तरह से मैंने एक पेपर प्लेट ले ली है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ राम लड्डू। और अब इसमें ऐड कर देंगे मूली की चटनी जो हमने बना करके तैयार की थी। इस मूली की चटनी का टेस्ट तो लाजवाब होता है। अच्छे से चटनी ऐड कर दें। अब तो आप घर पे बना रहे हैं, जैसी बनाना चाहें वैसी बनाएं, जैसे खाना चाहें वैसे खाएं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मूली का लच्छा। ये भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जैसा ऐड करना चाहें वैसे ऐड कर सकते हैं। और ये मीठी चटनी किस तरह से बनाई जाती है इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, ऊपर आई बटन पे भी चेक कर ले। और ऊपर से मैंने मिर्ची वड़ा रख दिया है। और देखिए, एकदम बढ़िया टेस्टी राम लड्डू बन करके रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।